करता हूँ आप सबका अपनी इस न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। पिक्सलवर्स ने तो हंगामा ही मचा दिया, काफ़ी लोग इसको बॉयकट कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसको अनफॉलो कर रहे हैं और काफ़ी सारे शिकायतें ट्विटर पे ऑलरेडी चल रही हैं। तो घबराइएगा नहीं, कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा रिजल्ट निकलेगा जिसके थ्रू हम सबको अच्छा फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, अपने आप को इस तरीके से बदनाम होने नहीं देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कंटिन्यू करें मेरे हिसाब से, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको सिर्फ सही गाइड करने के लिए बैठा हूँ। तो मैं तो यहाँ पे रेगुलर क्लेमिंग कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि चाहे हमें कुछ मिले चाहे थोड़ा बहुत मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है, अभी हमारे को लाइव हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया है किसी के भी, लेकिन क्लेमिंग 25 तारीख को है। तो 25 तारीख को क्या हो सकता है, शायद कुछ अच्छा हो जाए और हम लोग पहले से ही 7 दिन पहले ही 5 दिन पहले ही उल्टा सीधा सोच के बैठ जाएँ। थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कुछ चल रहे हैं, कुछ इनके खिलाफ़ भी चल रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में हो सकता है कि कम्युनिटी और पिक्सलवर्स कुछ अच्छे डिसीजन लें जिसके थ्रू बेनिफिट्स काफ़ी लोगों को हो जाए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। चलिए, क्लेम प्रोसेस कल आया था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, क्लेम प्रोसेस लाइव हो चुका है, लाइव हो चुका है, स्टेकिंग लाइव हो चुकी है, मैंने आपको बताया। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर आप ये लेजेंडरी NFT मिली होगी यहाँ पर, या जो भी NFTs आपको मिली हैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मुझे 5210 पिक्सीफाई मिले थे, जो कि कल मैंने वीडियो में दिखाया था, जीरो दिखाई दे रहे थे। काफ़ी लोगों को जीरो दिखाई दे रहे होंगे जिनको मतलब रेयर एपिक और लेजेंडरी NFT इसको ही मिला है, कॉमन एंड कॉमन को अभी नहीं मिला है, उनको आगे मिलेगा ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो घबराइए नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पर जो मुझे मुझे मिले थे यहाँ पे क्लेम्ड कर लिए हैं मैंने, क्लेम लिखे हुआ आ गया ना, तो क्लेम करके ये कहाँ पहुँचे, कैसे क्लेम किए, इस रिगार्डिंग ही प्रोसेस पूरा बताने वाला हूँ आपको। लेकिन अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि आप लोगों को अच्छा यहाँ पे समझ आए कि किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। देखिए, यहाँ पर सेम चीज़ मेरे पास पहले आई थी, जो कि मैं क्लेम करने से पहले का मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्लेम पिक्सीफाई का ऑप्शन यहाँ पर आ गया था, मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करते मुझे एड्रेस डालने का ऑप्शन आ गया था, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ एंटर योर वॉलेट एड्रेस। तो आप किसी एक्सचेंज का एड्रेस नहीं डालेंगे, आप सोच रहे होंगे एक्सचेंज में लिस्ट हो गया है, बाइनेंस में, MEXC में है ना, काफ़ी सारे एक्सचेंज में लिस्ट हो गया, बायबिट वगैरह में, तो आप सोच रहे होंगे वहाँ डाल उसका एड्रेस डाल दें। नहीं, नॉन साफ का वॉलेट एड्रेस, यू कैन ओनली एंटर नॉन कस्टडियल वॉलेट, ऑल सेंट्रल एक्सचेंज वॉलेट आर कस्टडियल एंड नॉट सपोर्टेड। मतलब आप किसी एक्सचेंज का एड्रेस नहीं डाल सकते, आप मेटामास्क का डालिए, ट्रस्ट वॉलेट का डालिए, या फिर OKX वॉलेट का डालिए, या बायबिट वॉलेट का डालिए, इस तरीके की जो वॉलेट्स हैं नॉन कस्टडियल वॉलेट इनका डालिए। और यहाँ पे आपको देखेंगे कि ये नॉन कस्टडियल वॉलेट, मैंने यहाँ पे एक वॉलेट डाला है अपना, और ये जो वॉलेट है मेरा, मैंने आपको पहले ही बताया था मैंने OKX वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है। OKX वॉलेट को भी मैंने मेटामास्क वॉलेट को OKX में इम्पोर्ट करके फिर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया उस एड्रेस को जो मैंने पहले भी यहाँ पे एक वॉलेट कनेक्ट किया था, और उसके बाद यहाँ पे टिक मार के इसको क्लेम पिक्सीफाई पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कॉन्ग्रेट्स योर पिक्सीफाई आर इन डैशबोर्ड्स, यानी आपका जो पिक्सीफाई है वो डैशबोर्ड में जा चुका है ऐसा इनका कहना है। कनेक्ट विद दिस वॉलेट टू योर डैशबोर्ड फॉर योर कॉइन्स एंड डिस्प्ले इन द स्टेकिंग सेक्शन, तो आप ये स्टेकिंग सेक्शन में इसको चेक कर पाएंगे ऐसा इनका कहना था। तो गो टू स्टेकिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, आप डायरेक्टली गो टू स्टेकिंग पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, या अगर आप स्टेकिंग के ऑप्शन पर डायरेक्ट नहीं जाते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं कि आप यहाँ से डैशबोर्ड्स वगैरह में डायरेक्टली भी जा सकते हैं। कैसे, मैं आपको वो मैं थोड़ा सा बताया था। प्रोफाइल ऑप्शन में जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारे को डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाता है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमें सीधे डैशबोर्ड पर हमारे ले जाता है, जो कि हमारा डैशबोर्ड है पिक्सलवर्स का, या फिर इसका अलग से भी आपके पास लिंक है तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक की सारी कहानी सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से, बहुत ही इजी स्टेप्स में बच्चों की तरह आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इसको ओपन कर लिया यहाँ पे पिक्सलवर्स डैशबोर्ड को। ठीक है, अगर ये इस तरीके से ओपन नहीं होता तो सिंपल है, यहाँ पर इस शेयर बटन को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप क्या करिए कि जिस भी वॉलेट्स में आपने इसको खोला है, मतलब जिस भी वॉलेट के साथ आपने इसको कनेक्ट किया, जैसे मैंने इसको OKX के साथ किया है, किसी ने बायबिट के साथ किया होगा वॉलेट के साथ, किसी ने मेटामास्क, किसी ने ट्रस्ट वॉलेट, तो उसी वॉलेट में चले जाइए। जैसे मैं OKX वॉलेट में आ गया, आ जाता हूँ, मैं अपने OKX वॉलेट में आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डैप, कई सारे मेटामास्क वगैरह में डैप का ऑप्शन होगा, डिस्कवर का, जिसमें हम साइट वगैरह खोलते हैं, यहाँ पर डिस्कवर का है, तो डिस्कवर पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है सर्च बार का। तो मैं सर्च बार पर वो जो लिंक मेरा है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पिक्सल डैशबोर्ड का, और इसको जैसे ही ओपन करता हूँ, यहाँ पर ओपन करता हूँ, अब इस लिंक को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, इस लिंक को यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, और ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाता हूँ कि ये ऑप्शन
में अभी क्या दिखा रहा है, किस तरीके से हमारे को ये जो कॉइन्स हमारे वो दिखाई देने वाले हैं, और क्या आपको फ़ायदा हो सकता है, क्या आपको नुकसान हो सकता है, उससे भी बचने के उपाय मैं यहाँ पे तरीके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, अभी ओपन हो रहा था कुछ टाइम पहले। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा रिफ्रेश किया और मैं देख सकते हैं OKX वॉलेट पे ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये सब कुछ दिखाई दे रही है डिटेल्स वगैरह। तो यहाँ पे हम थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं, और थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हमारे को यहाँ पे अर्ली अडॉप्टर NFTs यहाँ पे भी मिली हैं, लेकिन ये कम NFTs मिली हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ पे हमारी जो रैंकिंग्स हैं वो हमें सही नहीं मिली। तो अनकॉमन नॉकॉमन को इसमें भी नहीं मिली थी, काफ़ी लोगों को नहीं मिली होगी इसमें भी। ठीक है, जिनके लेवल्स अच्छे होंगे पॉसिबल है थोड़ा बहुत यहाँ पे उनको मिल गया होगा। चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। हमारे को जो कॉइन्स है वो कहाँ पहुँचे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑप्शन आता है स्टेकिंग का। ये जो स्टेकिंग ऑप्शन है ये आ गया है। स्टेकिंग ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारा कनेक्टेड टू इथेरियम नेटवर्क, ये मेरा इथेरियम नेटवर्क पे कनेक्ट हो गया है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कम्युनिटी है यहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही हैं। आप देख सकते हैं ड्रॉप टिकट्स पर डे 53.4 ये मुझे मिले हैं, ड्रॉप टिकट्स 45.7 ये मुझे मिले हैं। मैंने मॉर्निंग में क्लेम किया था ये। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कम्युनिटी इंसेंटिव पूल है 3.8 फिलियन पिक्सीफाई का। ठीक है, और 5.2 ये जो 5.2 हज़ार मतलब 5200 जो पिक्सीफाई थे मेरे, ये देखिए आप, ये स्टेक्ड कॉइन, स्टेक्ड मतलब ये स्टेकिंग पे लग चुके हैं। अब लग तो चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लग चुके हैं ये कॉइन्स। और अब उसे इसके स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हमें स्टेकिंग रिवॉर्ड्स वगैरह देने वाले हैं, तो ये जो टिकट्स हैं ये ड्रॉप टिकट्स हैं यही सब स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं। इसके लिए अलग से एक वीडियो मैं आपको अलग से बना के दूंगा कि जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं वो कब मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी NFTs वगैरह हैं जो डैशबोर्ड वाली NFTs हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे विड्रॉ ऑप्शन दिखेगा, काफ़ी लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इस पर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि अनस्टेक कर लो इसको। ठीक है, आप अगर विड्रॉ करना चाहते हो तो इसको आप अनस्टेक कर लो। मेरे हिसाब से जो ये स्टेकिंग चलेगी ये 25 जुलाई तक चलने वाली है। 25 जुलाई को ये कॉइन्स अनस्टेक हो जाएंगे, ठीक है, अपने आप हो जाएंगे या हम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आपको ये भी बता दूँ कि इन्होंने सिर्फ हफ्ते का ही टाइम दे रखा है, 31 जुलाई तक जब ये कॉइन आपके यहाँ से अनस्टेक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको आपने इसको क्लेम करना ही है, क्लेम तो करना ही है इसको। जो आपको चाहे 690 मिले हैं, चाहे आपको 5200 मिले, चाहे आपको 230 मिले हों, आपने इसको क्लेम तो करना ही है। लेकिन कब से कब तक करना है? 25 जुलाई से 31 जुलाई तक। अगर आपने 31 जुलाई में भी टाइम रहते हुए इसको क्लेम नहीं किया तो ये सारे कॉइन्स आपके ज़ीरो हो जाने वाले हैं, इन्होंने साफ बोल दिया। यानी क्लेम तो हम लोगों ने करना है, क्लेम मतलब हमने अभी हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, ये हमारे मेटामास्क वगैरह में नहीं पहुँचे हैं, तो हम इसको विड्रॉल करेंगे। यहाँ तक तो इन्होंने फ्री में पहुँचा दिए, अब हम लोग इसको मेटामास्क वगैरह में ले जाएंगे तो शायद मुझे लग रहा है कि उसकी भी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, मेटामास्क में भी पहुंचने की कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, जैसा इनकी तरफ से बताया गया था कि गैस फ्री विड्रॉल लगेगा। तो मेटामास्क तक तो चुप पहुँच गई, लेकिन मेटामास्क से विड्रॉल करने का जो हमारा चार्जेस होता है वो इथेरियम में हमें पे करना पड़ेगा। अब आप अपना प्रॉफिट देख के ही इसको विड्रॉल कीजिएगा, ये नहीं कि आपके पास कॉइन्स कम हैं और आप विड्रॉल करके पता चले आपने $10 का प्रॉफिट लिया है और $20 की गैस फीस दी, ऐसा काम मत करना। आप प्रॉफिट्स वगैरह देख लेना, कितने टोकन्स मिले हैं, क्या रेट में बिक सकते हैं और कितना आपको क्या करना है। ठीक है, वो भी चलो मैं हूँ यहाँ पे, टेंशन मत लो, वीडियोस आपको उसके भी मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन सबसे ख़तरनाक बात मैं अब बताने वाला हूँ। इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप जब इसको अनस्टेक करोगे, अगर अब मैं अभी इसको अनस्टेक करता हूँ ना और विड्रॉल करने की कोशिश करता हूँ तो अभी भी ये हो सकता है। ठीक है, मैंने एक स्क्रीनशॉट्स देखे थे काफ़ी जिसमें विड्रॉल के ऑप्शंस आ रहे थे, लेकिन अगर वो अभी विड्रॉल कर लें तो हमारे जैसे मेरे पास 5200 कॉइन है तो ये सिर्फ 520 कॉइन ही विड्रॉल होंगे, बाकी 90% यहाँ से बर्निंग हो जाएंगे या कंपनी के पास वापस चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये गलती तो नहीं करने वाला हूँ कि अपने में कॉइन्स उनको नहीं देने वाला हूँ। चलिए ये बात भी होगी। दूसरा, इन्होंने एक और चीज़ बताई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप 25 जुलाई को जब इसका क्लेम का बटन ओपन होगा और हम इसे मेटामास्क वगैरह या फिर OKX वॉलेट जो भी आपने वॉलेट कनेक्ट किया होगा वहाँ जब इसको विड्रॉल लगाएंगे तो उस टाइम पर अगर आप इसको पहले दिन ही विड्रॉल कर लेते हैं, यानी 25 तारीख को ही विड्रॉल कर लेते हैं, तो भी आपको 10% ही टोकन मिलने वाले हैं। यानी उस दिन भी आपको 5200 में से सिर्फ 520 टोकन मिलेंगे, 690 में से सिर्फ 69 टोकन मिलेंगे, बाकी ख़त्म हो जाएगी कहानी।
ठीक है। लेकिन अगर आपको सारे चाहिए तो आप 1 से 2 दिन का वेट करेंगे, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा ग्रुप में कि अब आप 100% अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ग्रुप मेरा टेलीग्राम का है, यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करके रखिए, दोनों चीज़ों को अपडेट दूंगा तो आप उसको विड्रॉल कीजिएगा। आपके 100% टोकन्स यहाँ से विड्रॉल होके वॉलेट में चले जाएंगे और फिर आपके वॉलेट में एक बार पहुँच गए तो आप मालिक हैं उसका, आप पिक्सल वर्स कुछ नहीं कर सकता, आप उसका जो मर्जी करें। हाँ, साथ में कुछ और रिवॉर्ड्स भी आपको शायद 25 तारीख को मिल सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एयरड्रॉप का, अभी 10% एयरड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 20% एयरड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी है, जिसमें मुझे लगता है कि मेरे जो बाकी भाई हैं लोग हैं जो कॉमन अनकॉमन NFTs वाले हैं उनको भी रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो घबराइए नहीं दोस्तों, 5 दिन और वेट करते हैं, देखते हैं पिक्सलवर्स और हमें क्या क्या रंग दिखाता है। सारे रंगों को आपके सामने रखूँगा, उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।